Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 18th of March. Now first of all, let's try to understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एशिया के अंदर लगातार यहाँ पर जो कोविड केसेस है फिर से इंक्रीज होने स्टार्ट हो गया, स्पेशली वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, राइट। इन सब कंट्री के अंदर फिर से इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया जैसे केसेस है जहां पर लगातार नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, बट एशिया के बाकी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोविड फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज के लिए इंडिया को भी यहाँ पर अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट रशिया से क्या इंडिया ऑयल खरीद रहा है। देखिए रिसेंटली रशिया ने कुछ डिस्काउंट पे ऑयल वगैरह को बेचना स्टार्ट किया है, उस चीज के कारण इंडिया ने यहाँ पर कुछ ऑयल फॉर्म से मतलब इंडिया के कुछ ऑयल फॉर्म्स ने यहाँ पर रशिया के कुछ ऑयल फॉर्म से यहाँ पर ऑयल वगैरह खरीदना स्टार्ट किया है। उसका रीजन क्या है और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। श्रीलंका को रिसेंटली इंडिया ने फिर से एक बार $1 बिलियन का क्रेडिट मतलब प्रोवाइड किया है ताकि उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है श्रीलंका के अंदर उस चीज से वो डील कर सके। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ प्रिविलेज मोशन जो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट हो सकता है और क्यों ये पर्टिकुलर टॉपिक फिर से एक बार न्यूज में आया हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द राइजिंग कोविड केसेस जो कि एशिया के अंदर फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ कोविड केसेस लगातार टेपर हो रहे हैं, मतलब लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सेम चीज यहाँ पर एशिया के बाकी कंट्रीज के अंदर नहीं हो रहा है। WHO ने रिसेंटली अभी कहीं एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू ये शो करता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसका नाम है BA.2। देखिए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका आपको अगर साइंटिफिक नेम पता होगा तो दैट इज BA.1। इसी का एक सब वेरिएंट आया है जिसका नाम है BA.2। इस BA.2 का एक नाम रखा गया है स्टेल्थ ओमिक्रॉन। देखिए इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्यों बोलते हैं मैं इसे आपको 2 मिनट में समझाऊंगा अभी, बट आप फिलहाल समझिए जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन था ऑल्दो उस पर्टिकुलर चीज को हम BA.1 बोलते हैं, बट जो उसका सब वेरिएंट है यानी कि जो BA.2 है उसको हम स्टेल्थ वेरिएंट जो स्टेल्थ ओमिक्रॉन बोलते हैं। और ये कोविड जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है एशिया के बहुत सारे कंट्री के अंदर, और अगर आप पिछले हफ्ते से इसको अगर कंपेयर करने स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा ये ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब कंट्री के अंदर फिर से कहीं ना कहीं कोविड अपना जो मतलब स्प्रेड है फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, ये आपको शो करता है कि कौन कौन से कंट्री के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड जो केसेस है फिर से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए वी हैव भूटान में ऑलमोस्ट 600 केसेस हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, वी हैव साउथ कोरिया, वी हैव जापान, वी हैव लॉस, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, तो जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं पैंडेमिक फिर से एक बार पीक पे जाना स्टार्ट कर चुका है। और कुछ जैसे चाइना टाइप कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है उसके कारण ऑल द नंबर ऑफ केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बट अभी कंपैरेटिवली काफी कम है। अगर उनके पॉपुलेशन से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो काफी कम है, बट फिर भी उनके नंबर ऑफ केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बट इंडिया में लगातार नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए कितने नंबर है इसे नंबर हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट एक तरफ आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाइना के अंदर केसेस, फिर वियतनाम के अंदर केसेस, साउथ कोरिया के अंदर केसेस जो है वो लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और उसी कारण इंडिया को भी यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए जो ये हमारा एशिया का रीजन है ना, जो पैसिफिक मतलब साउथ पैसिफिक वाला रीजन है और इसमें एशिया भी आता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 25% केसेस इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हो गए। एंड सबसे अलार्मिंग फिगर ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है उसमें 27% का यहां पर इजाफा हो गया। पॉइंट ये है कि देखिए अगर नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर डेथ यहाँ पर डाउन था तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि ऑल्दो बहुत सारे डेथ कॉज नहीं कर रहा था, ये वो उस पर्टिकुलर वेरिएंट ने यहाँ पर चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया इन सब कंट्री के अंदर यहाँ पर डेथ कॉज करने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड दैट टू मोर देन द नंबर ऑफ केसेस जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर डेथ्स हो रहे हैं। अब देख रहे हैं 25% से ज्यादा यहाँ पर केसेस इंक्रीज हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 27% के आसपास में यहाँ पर डेथ वगैरह रिपोर्ट की गई है। स्पेशली जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के अंदर ऑल्दो देखिए यहाँ पर एंटी कोविड अप्रोच बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है, मतलब अभी भी बहुत सारे एंटी कोविड कैंपेन चल रहे हैं, हर एक पर्सन वहां पर मतलब एंटी कोविड टाइप के स्टेप्स ले रहा है, बट इसके बावजूद यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो कि कोविड केसेस हैं वो साउथ कोरिया के अंदर लगातार काफी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप पिछले एक हफ्ते के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 लाख न्यू केसेस आए हैं यहाँ पर और ऑलमोस्ट 450 केसेस के आसपास में मतलब लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। इस चीज के अगेंस्ट यहाँ पर इनको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी हैव कंट्री लाइक वियतनाम, वी हैव कंट्री लाइक चाइना, जहां पर वियतनाम में ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आ रहे हैं, चाइना में सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पर 3500 केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ऑल्दो दिस 3500 यहाँ पर देखने में बहुत ही मतलब छोटा लग रहा है, बट अगर आप एक दिन पहले का देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ही कम थे और वहां से केसेस लगातार डबल हो रहे हैं, ट्रिपल, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज चाइना जो आप जानते हैं कि इंडिया के बहुत ही पास में है, तो अगर चाइना में कुछ चीज आती है तो मतलब ऑटोमेटिकली वो इंडिया के अंदर स्प्रेड हो सकता है और उसके कारण नंबर ऑफ केसेस इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं फिर से इंक्रीज हो सकते हैं। तो जैसे हमने बात किया कि BA.2 जो है उसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन बोलते हैं, क्वेश्चन कम से स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसे BA.1 बोलते हैं, ठीक है, उसी का एक सब वेरिएंट है जिसे BA.2 बोल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 40 कंट्री के अंदर फैल चुका है जो BA.2 है, यानी कि जो सब वेरिएंट है इसका, इंक्लूडिंग डेनमार्क। नंबर ऑफ केसेस जो डेनमार्क के अंदर प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा है, उसके अलावा वी हैव इंडिया, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, इसके हर एक
कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट ये केसेस पहुंचने स्टार्ट हो गए। जैसे नंबर के इंडिया के अंदर भी ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है। नो BA.2 जो देखिए, एक तरफ ये मालूम चल रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा फास्ट है, मतलब उसके नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। देखिए हमने देखा ना पिछले एक हफ्ते के अंदर एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 25% केसेस इंक्रीज हो गए हैं, सोचिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। बट द पॉइंट इज कि ये बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है। अच्छी चीज ये है कि BA.1 यानी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था जितना सिवियर वो था उतना ही सिवियर कहीं ना BA.2 भी है। मतलब पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट बिकॉज अभी हमारे पास डेटा जो है बहुत ही लिमिटेड है। एक तरफ तो हमें ये मालूम चल रहा है कि BA.2 जो है बहुत ज्यादा डेथ कॉज नहीं कर रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास नंबर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि 27% डेथ की डेटा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो पॉइंट इज कि अगर डेथ्स अचानक से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो उसके बारे में हमें अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Now, similarly, BA.2 केस जो है उसकी सिवियरिटी को आप यहां पर जो क्लासिकल ओमिक्रॉन यानी कि BA.1 था उसके साथ कंपेयर तो कर सकते हैं और उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। स्पेशली अगर आप वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो वैक्सीन जो हमारे पास ऑलरेडी है भी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर कोई भी वैक्सीन जो आप ले रहे हैं, उन वो वैक्सीन दोनों के ऊपर ही मतलब यू नो इक्वली इफेक्टिव है। मतलब BA.1 और BA.2 दोनों के ऊपर इफेक्टिव है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इसे BA.2 को यहां पर स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ एस जीन ड्रॉप आउट। देखिए आपको एक चीज याद होगा, ओमिक्रॉन के बारे में जब हमने बात की थी एक चीज हमने देखा था उसके अंदर सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट एस जीन। एस जीन एक ऐसा जीन होता है जो कि एक वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये पर्टिकुलर एस जीन जो है ये कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर प्रेजेंट नहीं था। तो इसी पर्टिकुलर वेरिएंट के थ्रू एस जीन के ड्रॉप आउट के थ्रू हम एक्चुअली ढूंढने की कोशिश करते थे कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड है। नाउ द इंटरेस्टिंग केस यहां पर आता है कि BA.2 जो है उसके अंदर एस जीन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप ओमिक्रॉन को छोड़कर के बाकी जितने भी वेरिएंट्स उनको देखेंगे तो उन सब के अंदर भी एस जीन प्रेजेंट है। तो हमें एक्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन BA.2 से इन्फेक्टेड है या फिर वो अल्फा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है या फिर किसी और वेरिएंट से इन्फेक्टेड है? बिकॉज अगर एक्सजिन नहीं होता, अगर एक्सजिन प्रेजेंट नहीं होता तब तो हमें मालूम चलता है कि ठीक है चलो वो ओमिक्रॉन का है, बट यहाँ पर तो एक्सजिन भी प्रेजेंट है। तो पॉइंट ये है कि इसी के लिए कारण से स्टेल्थ ओमिक्रॉन बोल रहे हैं, बिकॉज देखिए ऑल्दो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है बट इसके बावजूद इसके अंदर वो सेम फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है जो कि यहाँ पर ओमिक्रॉन के अंदर होने चाहिए था। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सजिन इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर नॉर्मली एक्सजिन प्रेजेंट नहीं होता है बट BA.2 के अंदर यहाँ पर एक्सजिन प्रेजेंट है। इसके कारण इसको कंफर्म करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, इसको प्रॉपर्ली चेक करना और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। नाउ फाइनली जो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनका स्टेटमेंट ये है कि जैसे जैसे वायरस लगातार स्प्रेड हो रहा है ना, जैसे जैसे वो ज्यादा म्यूटेशन वगैरह करेगा, इसका मतलब ये क्या है कि उसके वेरिएशन ज्यादा होंगे और अगर वेरिएशन ज्यादा होंगे इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर वायरस जो है ज्यादा से ज्यादा डेंजरस होता जाएगा। दैट इज वाई हमें कोविड को यहीं पर रोकने की जरूरत है। स्पेशली कोविड को किसी और कंट्री के अंदर स्प्रेड ना हो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन को इंप्रूव करना होगा, पर्सनल हाइजीन को इंप्रूव करना होगा, हमें अपने हैंड्स जो माउथ वगैरह इन सबको टाइम टू टाइम इसको वॉश करते रहना होगा। राइट, आपको याद होगा जब फर्स्ट कोविड का मतलब वेव आया था हमारे इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस टाइम में हमने जो भी कोविड बिहेवियर वगैरह को चूज किया था और हमने जो उसको मतलब यूज करना स्टार्ट किया था, सेम चीजों को हमें फिर से कहीं ना कहीं रीट्रेड करना होगा, तभी हम इस चीज को फिर से एक बार फाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं रशियन ऑयल के बारे में, क्या इसको इंडिया परचेज कर रहा है और अगर इसको इंडिया परचेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखिए इंडिया अपने जो एनर्जी कॉपरेशन है विद रशिया उसको और ज्यादा डीपन कर रहा है जब इंडिया ने यह बोला है कि हम फिर से यहां पर रशिया के साथ कहीं ना कहीं ऑयल को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जानते हैं कि रशिया के अगेंस्ट में बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं। राइट, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं तो क्या किसी भी कंट्री को उसके साथ खरीदना चाहिए ऑयल? टेक्निकली नहीं खरीदना चाहिए, बट बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी अभी भी प्रेजेंट है। आप जानते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, उसके थ्रू बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी भी हैं जो अभी भी रशियन एनर्जी यानी कि रशियन ऑयल रशियन गैसेस को अभी भी खरीदती है। बट एक तरफ हम जानते हैं कि एक तरफ तो ऑयल एंड गैसेस खरीद रही है बट सेकंड तरफ यूएस के सैंक्शंस भी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्री ने खरीदना बंद भी कर दिया, लेकिन यहां पर इंडिया देखिए अभी तक जो था वो रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था ऑयल के ऊपर, लेकिन यहां पर हमारी दो कंपनीज हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC और साथ में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनीज ने यहां पर डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल को अगले कुछ हफ्तों के अंदर हम खरीदने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए हम 2 मिलियन बैरल्स जो यहां पर ऑयल खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर रशियन एनर्जी जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फिर से वहां पर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है? अगेन क्या यहाँ पे इंडिया फ्रेंडशिप शो कर रहा है? यस, इंडिया फ्रेंडशिप शो कर रहा है, बट साथ ही साथ इंडिया का अपने यहाँ पर खुद का भी इंटरेस्ट है बिकॉज रशिया यहाँ पर सारे के सारे ऑयल्स वगैरह को डिस्काउंट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम जानते हैं कि ग्लोबल जो एरेना है वहां पर जो ऑयल वगैरह है उसके प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए, उस ऑयल के प्राइसेस मतलब प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ इसे इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए और जो ऑयल एंड गैसेस के लगातार जो प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो गए हैं उनसे फाइट करने के लिए रशिया ने जो यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड किया है उसके थ्रू इंडिया ने भी अपने लिए मतलब रशिया से बेसिकली ऑयल वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज अ प्लान ऑफ एक बेसिकली एक पार्ट है इंडिया के प्लान का जिसके थ्रू इंडिया अपने खुद के एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। हम एक तरफ जानते हैं कि ऑयल एंड गैसेस का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण उनकी
जो मार्केट वॉलेटिलिटी मतलब वॉलेटिलिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज वाई जो रशिया है बेसिकली उसने कुछ ऐसे एडजस्टमेंट वगैरह किए हैं अपने प्राइसेस के अंदर कि इंडिया यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे ऐसा टेंड कर रहा है, मतलब इंडिया इस तरफ जा रहा है कि रशिया के साथ कुछ ऑयल वगैरह खरीद करके फाइनेंशियली फ्रंट में देखिए ऑल दो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक चीज हम जानते हैं कि डॉलर के टर्म्स में यहाँ पर पैसा पे नहीं हो पाएगा, राइट। इंडिया जो भी ऑयल खरीदेगा उसको रशिया को पे करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, ना ही यहाँ पर ऑनलाइन पे हो सकता है बिकॉज स्विफ्ट मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। सिमिलरली ना ही यहाँ पर मतलब डॉलर्स के अंदर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है जो भी मैकेनिज्म यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा वो होगा रूपी एंड रियाल, ठीक है। जस्ट रिमेंबर देखिए रूपी जो है वो इंडियन करेंसी और जो रियाल है दैट इज एक्चुअली वहां पर मतलब सॉरी हाँ मतलब रशिया का जो रूबल है रूबल ठीक है नॉट रियाल ओके जो रूबल है वो बेसिकली रशिया की करेंसी है, तो रूपी और रूबल के बीच में यहाँ पर अभी एक टाइप का ये ट्रेड ट्रांजेक्शन होगा और उसके थ्रू ही मतलब उसके थ्रू बेसिकली सब चीजों को फिर से इंक्रीज किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए IOC और HPCL के अलावा वी हैव मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसने भी एक टाइप का टेंडर यहाँ पर मतलब इशू किया है जिसके थ्रू वो रशियन के डिफरेंट कंपनी से अपने क्रूड ऑयल को खरीदना चाहते हैं और अपने पास स्टॉक करके रखना चाहते हैं। देखिए एक चीज समझिए बहुत सारे मतलब कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सैंक्शंस के कारण यहां पर रशिया से अपने ऑयल वगैरह को खरीदना बंद कर दिया, उसके कारण क्या हुआ रशिया ने अपने ऑयल के प्राइसेस लगातार डिक्रीज कर दिए, एंड इंडिया सॉ अपॉर्चुनिटी इन दिस और इंडिया ने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यूज किया और अपने स्पेशल डिस्काउंट्स के ऊपर अपने ऑयल वगैरह को लेकर के रखना स्टार्ट कर दिया। एक चीज समझिए हम जानते हैं कि अगले कुछ महीनों तक जो हमारा वर्ल्ड मार्केट है उसके अंदर ऑयल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज होने वाले हैं, तो क्यों ना उससे फाइट ऑफ करने के लिए इंडिया पहले से स्टॉक करके रख ले, एंड दैट इज व्हाई इंडिया ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स ऑफ जो क्रूड ऑयल है उसको परचेस करके अपने पास रखना चाहता है ताकि कल को अगर फिर से प्राइसेस वगैरह इंक्रीज होते भी है तो भी इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, इंडिया के कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन वगैरह फिर से इंक्रीज ना हो बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी स्टॉक के अंदर इतना सारा ऑयल रहने वाला है। सिमिलरली देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली रशिया से खरीद रही है, बट कुछ कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो कि यूएस की मतलब जो यूएस का जो रिजर्व है वहां से ऑयल वगैरह खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखिए जो आप रिलायंस जानते हैं रिलायंस अपना सारा का सारा ऑयल जो है वो यूएसए से खरीदता है। अब क्या रिलायंस यहाँ पर आगे जाकर रशिया के साथ अपना ये डील कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज देखिए रशिया से तो हम बहुत ही टेम्पररी बेसिस पे ऑयल खरीद रहे हैं, बट अगर आप मेन चीज देखेंगे अगर मतलब मेन जो रिलायंस जहां से ऑयल खरीदता है दैट इज एक्चुअली यूएसए, तो यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी रशिया के साथ ऑयल नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडिया से हैं जो कि रशिया से यहाँ पर ऑयल खरीद रही हैं, जैसे IOC HPCL इसका एग्जांपल हमने देख लिया। ऑलराइट, अब देखिए इंडिया यहाँ पर अपने खुद के एनर्जी सिक्योरिटी के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज वगैरह को चेक कर रहा है, एंड दैट इज वाई इंडिया हैज डिसाइडेड कि हम इस पर्टिकुलर चीज के साथ गो थ्रू करेंगे और हम रशिया के ऑयल वगैरह को खरीदेंगे। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इंडिया एक बहुत ही लार्ज ऑयल का इंपोर्टर है, मतलब इंडिया अपना खुद का ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कुछ रीजंस, ऐसे मुंबई वाला पार्ट जो है मैजागांव वाला पार्ट है वहां के कुछ पार्ट्स में हम ऑयल को मतलब बनाते हैं बट वो भी बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में बनाते हैं। इसका मतलब क्या है हम मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया अपने नीड्स के लिए बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंडिया कौन कौन से कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया टॉप जो है सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है दैट इज फ्रॉम इराक, सेकंड पे वी हैव यूएसए, थर्ड पे वी हैव नाइजीरिया, फोर्थ वी हैव सऊदी, एंड फिफ्थ वी हैव यूएई। जस्ट रिमेंबर दीज फाइव नेम्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि ऑयल का मार्केट लगातार यहाँ पर वोलेटाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड दैट इज वाई प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है जहां पर एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्जैक्टली किस कंट्री से इंडिया अपना सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है। जस्ट रिमेंबर दिस इज फर्स्ट पे इराक है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे वी हैव नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, जस्ट रिमेंबर कि नाइजीरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा वी हैव सऊदी एंड वी हैव यूएई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही मतलब कंट्रीज है जिससे हम सबसे ज्यादा ऑयल वगैरह खरीदते हैं, एंड जस्ट रिमेंबर कि ये टॉप फाइव यही सब है। अब अभी तक रशिया हमारे टॉप फाइव के अंदर प्रेजेंट नहीं था, मतलब हमारे टॉप ऑयल सप्लायर्स के अंदर रशिया नहीं था, बट हम पिछले कुछ सालों से रशिया के साथ अपने इस पर्टिकुलर चीज को डीपनिंग करने की बात कर रहे थे, और रिसेंटली ये जो रशिया यूक्रेन का टेंशन हुआ उसके कारण एक टाइप की अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है जहां पर IOC और ONGC इन दोनों कंपनी ने अपार्ट फ्रॉम दिस HPCL हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी डिफरेंट ऐसे ऐसी कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पर एक टाइप का MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद रशियन कंपनीज जैसे कि गैसप्रॉम हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज है कि हम आपसे ऑयल खरीदने वाले हैं अगले कुछ महीनों के लिए। Alright, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। Alright, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ हम बात करने वाले इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में, किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका को ऑलमोस्ट $1 बिलियन का क्रेडिट प्रोवाइड किया है ताकि वो अपने फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सके। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि $1 बिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर, देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है लोन, सिंपल वर्ड में एक लोन प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका ताकि श्रीलंका अपने जो वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा है ना उस चीज से डील कर सके ताकि वो अपने लिए फूड खरीद सके, मेडिसिन खरीद सके और अदर असेंशियल आइटम्स खरीद सके। ऑलराइट, एक चीज यहाँ पर समझिए फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप
समझेंगे जो जो यहाँ पर श्रीलंका की जो डॉलर मतलब जो भी वहाँ का जो बेसिकली उनका जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। इसे कहते हैं उसका फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है बिकॉज उनकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू काफी डाउन हो गया। दैट इज वाई दे हैव टेकन लोन फ्रॉम इंडिया, दे हैव टेकन लोन फ्रॉम चाइना। तो क्या ये लोन किस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर दिया जाएगा? देखिए ये सारे का सारा लोन जो है वो इंडियन रुपी के टर्म्स में दिया गया। तो अगर रुपी के टर्म्स में इसका मतलब क्या है, जो श्रीलंका है वो डायरेक्टली इन रुपीज को यूज करके किसी दूसरे कंट्री से फूड, मेडिसिन और भी कोई चीज, अगर फ्यूल वगैरह है ये सब चाहे तो खरीद सकती है। देखिए फिर से समझिए, श्रीलंका की जो अपनी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जस्ट सपोज कि एक डॉलर है, ठीक है, एक डॉलर को परचेज करने के लिए पहले अगर श्रीलंका को, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 50 रुपए देने पड़ते थे, जस्ट सपोज कि 50 श्रीलंकन करेंसी देनी पड़ती थी, तो अब इसकी वैल्यू इतना डाउन हो गई है कि अब एक डॉलर खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 500 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज वाई उनका पैसा काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब वॉलेटाइल हो गया है, उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई है। इसी चीज से यहाँ पर डील करने के लिए क्या किया श्रीलंका ने, यहाँ पर इंडिया के साथ एक ऐसा मतलब साइन किया है, एक ऐसा डील साइन किया है जिसके थ्रू श्रीलंका के यहाँ पर क्या करेगा, वो इंडियन करेंसी को यूज करेगा अपने बाकी सारे सारे सामान वगैरह खरीदने के लिए, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, इन सबको खरीदने के लिए वो इंडियन करेंसी का, सिमिलरली चाइनीज करेंसी और भी बहुत सारी कंट्री के साथ जो श्रीलंका ने डील किया है उन सबका करेंसी उसको यूज करेगा। उसके लिए इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो रिसेंटली $1 बिलियन दिए गए हैं दैट हैज बीन गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियाज बिहाफ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के बदले में किसने दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है। तो ये लोन SBI के नाम पे गया है और बाद में जब श्रीलंका की गवर्नमेंट वापस करेगी तो ये पैसा SBI के पास ही इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा म्यूचुअल कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इन सब के लिए भी बहुत सारे अग्रीमेंट वगैरह साइन किए गए दोनों कंट्री के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, राइट। ये पॉलिसी ऐसी है जहां पे इंडिया के जितने भी आसपास के नेबर्स हैं, वी हैव सार्क कंट्रीज, पाकिस्तान हो गया, देन वी हैव अफगानिस्तान, देन वी हैव नेपाल, भूटान, वी हैव म्यांमार, वी हैव बांग्लादेश, वी हैव श्रीलंका, ये सारी सारी जो यहाँ पर सार्क कंट्रीज थी ये सब हमारे नेबरहुड फर्स्ट के अंदर आती है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे नेबर्स है सबसे पहले हम उनके लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं ऐसे जो कि हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कहीं ना कहीं आउटरीच करते हैं, हमें इसको इंक्रीज करते हैं, बट इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स वगैरह लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, अगर 2022 की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन सपोर्ट ऑलरेडी श्रीलंका को यहां पर दिया जा चुका है। किस तरीके से, देखिए $400 मिलियन मतलब डॉलर का ऑलमोस्ट RBI ने एक टाइप का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, सिंपल वर्ड्स में समझिए, श्रीलंका को कभी भी कल को अगर इंडियन रुपीस की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली श्रीलंका इंडिया से वो रुपीस मांग सकता है, और सिमिलरली अगर इंडिया को श्रीलंका की जो करेंसी है उसकी अगर जरूरत पड़ती है तो इंडिया डायरेक्टली श्रीलंका की करेंसी से मांग सकता है। सो बेसिकली देखिए इंडिया तो ऑब्वियसली जो श्रीलंकन करेंसी है उसको ज्यादा नहीं मानेगा, बट मेनली यहाँ पर श्रीलंका के फायदे के लिए किया गया है, जहां पर श्रीलंका जब चाहे यहाँ पर इंडियन रुपीस को मांग सकती है, ठीक है। सेकंड चीज, कितना मांग सकती है, ऑलमोस्ट $400 मिलियन इतना पैसा यहाँ पर मांग सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया को, देखिए इंडिया और श्रीलंका मतलब इंडिया ने पहले श्रीलंका को ऑलमोस्ट $500 मिलियन का यहाँ पर एक टाइप का लोन प्रोवाइड किया था। नाउ उस लोन की मेच्योरिटी पीरियड आ चुकी है, उसको लोन को वापस करना था, बट यहाँ पर इंडिया ने उस पर्टिकुलर चीज को डेफर कर दिया, मतलब कि बोला है कि आपको आज लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ दिनों बाद 3-4 महीने बाद भी अगर उसको वापस करोगे तो मतलब ठीक रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोन एंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि LOC। ऑलराइट, देखिए लोन जो होता है, जैसे सपोज कि लोन के अंदर सिर्फ एक अमाउंट लिखा होता है, जैसे अभी रिसेंटली जो दिया गया है $1 बिलियन का, ठीक है, वो एक टाइप का लोन है। ऑलराइट, तो क्या है, जब ये श्रीलंका के पास पैसा आएगा तो श्रीलंका इस पर्टिकुलर पैसों को कैसे भी यूज कर सकती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज लोन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है उसके साथ में पैसे के साथ में मतलब मनी के साथ में उसका पर्पस लिखा होता है। मतलब जस्ट सपोज हमने देखा यहाँ पर $500 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट $500 मिलियन का यहाँ पर एक टाइप का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ कंट्री दी गई है वो सिर्फ उसके इंपोर्ट्स के लिए दी गई है, दैट टू ओनली फॉर फ्यूल। तो इसका मतलब क्या है, इस $500 मिलियन से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ फ्यूल ही खरीद सकती है, कुछ और नहीं खरीद सकती है। अगर कुछ और खरीदेगी तो ये अग्रीमेंट कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएगा और श्रीलंका को सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लोन एंड जो यहाँ पर LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आई होप आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए। लोन का मतलब है कि आप पैसों को सिर्फ उसमें पैसा लिखा होता है, पर्पस नहीं लिखा होता है, मतलब आप उन पैसों को कैसे भी यूज कर सकते हैं। बट LOC के अंदर यानी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर आप एक जो पैसा लेते हैं उसके साथ में उसका पर्पस लिखा होता है और उस पैसों को आप किस तरीके से यूज करने वाले हैं वो सब चीजें प्रॉपरली मैंशन होती है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका अपने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां पर उसने अगस्त 2021 के अंदर एक टाइप का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, बिकॉज हम जानते हैं उनका वहां का जो फ्यूल है, गैस है, वहां पर शॉर्टेज काफी ज्यादा हो गया था, उसके कारण उसकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई थी, वहां पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया था, यहां तक कि जो बेसिक गुड्स वगैरह जो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर मिलती है उसके प्राइसेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। जो बेसिक फूड आइटम्स वगैरह है उसके प्राइसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उसके कारण जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है श्रीलंका के अंदर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब देखिए जो अभी प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उन्होंने ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉक किया है, ठीक है, उन्होंने मतलब बोला है उन्होंने कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, जो IMF है उसके साथ मिलकर इस पर्टिकुलर फिस्कल डेफिसिट को, जो फिस्कल प्रॉब्लम चल रही है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करके जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए उनके अनुसार जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसका मेन रीजन है फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज।
तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया शॉर्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि श्रीलंकन की जो जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, और उसके कारण जो जो श्रीलंका का जो मतलब डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास पहुंच गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट बेसिकली एक सिंपल सा टर्म है जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है इन दोनों के बीच का यहां पर डिफरेंस देखा जाता है। तो अगर आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, मतलब अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपना सामान बाहर भेजते हैं, तो क्या होगा, बदले में आपका पैसा अंदर आएगा, मतलब आपकी कंट्री के अंदर आएगा। बट अगर आप इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब अगर आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा सारा का सारा बाहर जाएगा। नाउ श्रीलंका जो है पिछले कुछ सालों में एक टाइप का इंपोर्टिंग कंट्री बन गई है, स्पेशली कोविड के आने के बाद, जहां पर उसका सारा का सारा पैसा बाहर चला गया है। मतलब उनके पास खुद के पास जो उनकी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, यहां तक कि जो उनके फॉरेन रिजर्व है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, उसके कारण वो अपने आप को फिर से एक बार स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का जो डेट है, यानी कि जो उधार है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑलमोस्ट $7 बिलियन का उधार यहाँ पर श्रीलंका को वापस करना है अगले कुछ सालों के अंदर में। अब उसके कारण देखिए, उनके पास पहली बात तो यहाँ पर डॉलर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर यूएस डॉलर जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में है वो उनके पास है नहीं। उसके कारण वो लोग फूड नहीं खरीद पा रहे हैं, मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई भी असेंशियल चीजें हैं वो सब खरीद नहीं पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई श्रीलंका यहाँ पर वर्स्ट जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बीच में चल रहा है। अब देखिए चाइना, मतलब श्रीलंका ने जितना भी यहाँ पर अपना लोन वगैरह लिया हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 10% जो लोन है वो सिर्फ चाइना के पास आता है। मतलब सोचिए जितने भी कंट्री के पास लिया हुआ है उसमें से 1/10 ऑलमोस्ट चाइना ने अकेले लोन दिया हुआ है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं चाइना ने इसको एक टाइप का डेट ट्रैप के अंदर फंसाया हुआ है, और श्रीलंका यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इस डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था लास्ट ईयर। ऑलराइट, अब देखिए श्रीलंका के जितने भी जो लोन्स वगैरह है ना वो सब बॉन्ड्स में है और स्पेशली इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट बॉन्ड के लोन्स के बारे में, समझिए इस चीज को। अगर आप सिंपली कैश में लोन लेते हैं, ठीक है, आप कैश में लोन लेते हैं, जैसे सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से कुछ उधार लेते हैं, तो आप उसको अपने टाइम से उसको वापस कर सकते हैं अगर आप कैश में लोते हैं। बट अगर आप बॉन्ड में लोन लेते हैं तो आप उसको टाइम से आपको वापस करना ही पड़ता है। देखिए अगर कैश में लोन लेते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि 10 तारीख को आपको वापस करना है, अगर आपके पास 10 तारीख को कैश नहीं है तो आप उसको 11 या फिर 12 को भी वापस कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप बॉन्ड में लेते हैं तो बॉन्ड के ऊपर एक डेट लिखी होती है, अगर आप उस पर्टिकुलर डेट को वो लोन सारा का सारा वापस नहीं करते हैं तो उस बॉन्ड की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जितने भी बॉन्ड्स वगैरह श्रीलंका ने मतलब लिए हुए हैं, जितना भी लोन्स वगैरह लिया हुआ है, अगर उसको टाइम से वापस नहीं किया तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड्स की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर श्रीलंका को आज राइट नाउ 50 रुपये वापस करने हैं, तो अगर इसने टाइम से वापस नहीं किया 50 रुपये, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 60 हो जाएगी, देन 70 हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, फाइनेंशियल प्रेशर श्रीलंका के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड दैट इज वाई दिस इज द मेन रीजन, उसके कारण श्रीलंका जो है वापस यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर यहाँ पर डीपन हो गया है और यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। अब इसी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया और श्रीलंका ने साथ में मिलकर कुछ फ्रेमवर्क वगैरह साइन किए हैं, जहां पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब चीजों में इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई है। मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है, आपस में सारी की सारी कंट्री को साथ लेकर आना है, यहां तक कि जो श्रीलंका के जो प्रेजेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस वगैरह है उन सबको सॉल्व करने के लिए इंडिया जो है श्रीलंका की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप पॉलिसी, जहां पर इंडिया अपने एक नेबर कंट्री की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है ताकि वो अपने डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल सके, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों ही कंट्री के जो लीडर्स वगैरह हैं उन लोगों ने ये डिसाइड किया, एग्री किया है कि हम रेगुलर के अंदर रहेंगे ताकि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम वगैरह चाहिए होगा तो उसको आपस में सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह मिलकर के, दोनों ही साइड के जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो मिलकर साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक टाइप का रेगुलर डायलॉग वगैरह दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड टॉपिक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रिविलेज मोशन। देखिए प्रिविलेज मोशन क्या होता है और मतलब क्यों होता है, उससे पहले मैं आपको एक टाइप का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा होगा एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट अभी यहाँ पर एक प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया गया था, जिसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है। नाउ ये हो गया यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिविलेज मोशन एक्जैक्टली होता क्या है। देखिए ये जो मोशन है ये बेसिकली कंसर्न है विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय कोई भी मिनिस्टर। मतलब कोई भी जो मिनिस्टर प्रेजेंट है अगर वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, ब्रीच करना मतलब उसका गलत फायदा उठाता है या फिर उसको कहीं ना कहीं साइड करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन स्टार्ट हो सकता है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये प्रिविलेजेस होते क्या है। देखिए जो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस होते हैं ना, इसका ये बेसिकली टाइप के राइट्स होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज ऐसी होती हैं जो कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल या फिर अगर स्टेट लेवल पे है तो जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हैं, इन सबके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ राइट्स और कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, जो कि उनके पास कुछ इंडिविजुअल राइट्स होती हैं और कुछ उनके पास कलेक्टिव राइट्स होती हैं। इन सबको बुला करके मतलब इन सबको एक जगह पर कंबाइन करके दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ प्रिविलेज, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नाउ ये जितने भी ये सब चीजें हैं, ये सब कहने के इनको हेल्प करती है अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के अंदर, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझ गया। अब देखिए किसी भी ऐसे राइट्स मतलब किसी भी एक मिनिस्टर के राइट्स या फिर उनकी इम्यूनिटी को अगर यहाँ पर डिसरिगार्ड किया जाएगा, उनकी वैल्यू यहाँ पर डाउन की जाएगी, तो उस चीज को कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और वो चीज कहीं ना कहीं पनिशेबल होता है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ना इस चीज को क्यों लाया गया है, ताकि एक मिनिस्टर जो है किसी दूसरे मिनिस्टर का कभी भी कोई मजाक ना उड़ाए या फिर उसकी वैल्यू को डिग्रेड करने की कोशिश ना करे। मतलब खुद को सही साबित करने के लिए अगर एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की वैल्यू को डिग्रेड करता है, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज प्रिविलेज मोशन का ब्रीच होना।
नाउ नोटिस क्या होता है, नोटिस एक टाइप का मोशन होता है, ठीक है, एक ऐसा मोशन जो भी जो कि दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स जो है उसको इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे। अगर आप स्टेट लेवल की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों ही के मेंबर जो है आपको स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइप के मोशन को, और ये आपको एक टाइप के मतलब एक टाइप के मोशन के थ्रू उसको मतलब लॉन्च करना होता है। मोशन का मतलब होता है कि आप इसको अकेले लॉन्च नहीं कर सकते हैं, आपके साथ में कुछ ना कुछ साथ में और मेंबर्स होने चाहिए जो कि सबके सब साथ में मिलकर इस चीज को इनिशिएट करेंगे। अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरमैन वगैरह यानी कि स्पीकर वगैरह होते हैं उनका इसमें क्या रोल होता है। देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर एक प्रिविलेज मोशन को स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो स्पीकर ऑफ द हाउस अगर लोकसभा के अंदर है या फिर जो चेयरमैन ऑफ द हाउस अगर राज्यसभा के अंदर है उनको बताएगा कि मैं एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट एक टाइप का प्रिविलेज मोशन स्टार्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है, जो भी स्पीकर है लोकसभा के अंदर और जो भी चेयरपर्सन है राज्यसभा के अंदर वो एक टाइप के कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी की तरह काम करते हैं। मतलब सबसे पहले वो सुनेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में ये प्रिविलेज मोशन सही है या फिर नहीं है। चेयरमैन होते हैं उनके पास एक टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि जो भी ये चीजें हो रही है मतलब जो एक टाइप का मोशन स्टार्ट किया गया है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है। फर्स्ट चीज तो ये, अब उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है वो चीज वो डिसाइड कर लेंगे। जस्ट सपोज अगर वो मतलब अगर तो रिजेक्ट कर देते हैं तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, वो चीज वहां पर वापस इनिशिएट नहीं हो सकती है। बट अगर ये चीज यहां पर एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद अगेन फिर से यहां पर जो स्पीकर होते हैं उनके पास दो यहां पर ऑप्शन होते हैं। पहली चीज, क्या वो खुद से इस चीज को मतलब इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्या वो खुद से बातचीत करना चाहते हैं या फिर उस चीज को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजना चाहते हैं। प्रिविलेज कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है जो कि इस चीज से डील करती है, इन सब चीजों के बारे में वो बातचीत करती है, उसके बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब देखिए, अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन उन्होंने अगर इस चीज को कंसेंट दे दिया मतलब उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद जो भी मेंबर है जिसके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया गया है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप चाहे तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं आप अपने बचाव में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। नाउ ये आप समझ के बेसिक चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से रूल्स हैं जो कि इस प्रिविलेज को गवर्न करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लोकसभा का रूल बुक। लोकसभा के रूल बुक में चैप्टर 20 के अंदर एक रूल नंबर 222 है जो कि आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये लिखा जाता है कि कोई भी मेंबर अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ यहाँ पर किसी भी टाइप का गलत हुआ है, मतलब अगर उसकी वैल्यूज को यहाँ पर डिसरिगार्ड किया गया है तो वो स्पीकर या फिर चेयरमैन के परमिशन के साथ मतलब कंसेंट लेने के बाद वो एक टाइप का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन स्टार्ट कर सकता है किसी भी दूसरे मेंबर या फिर किसी भी मतलब देखिए अगर लोकसभा का मेंबर है वो राज्यसभा के मेंबर के अगेंस्ट भी कर सकता है। सिमिलरली अगर एक राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा के मेंबर के अगेंस्ट भी कर सकता है। तो ये दोनों ही मतलब बेसिकली किसी के अगेंस्ट भी किया सकता है बट इट कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर, जैसा हमने पीछे बात किया, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीज। नाउ लेट्स टॉक सम बेसिक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जैसा मैंने आपको बताया ये कुछ ऐसे राइट्स, कुछ ऐसे इम्यूनिटीज, कुछ ऐसे एग्जम्पशंस होते हैं जो कि दोनों हाउस के पार्लियामेंट्स जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है इन सबकी कमिटीज इनके मेंबर्स हर एक को यहां पर मिलता है। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के रूल बुक्स के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेंशन है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मतलब कुछ चीजें मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है कुछ किसको मिलती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो वो सारे के सारे एमपीज या फिर एमएलएज जो कि हाउस के अंदर प्रेजेंट है उनको मिलेगी। इसके अलावा वो सारे के सारे लोग जो कि पार्लियामेंट का पार्ट हैं बट वो डेली डिस्कशंस में नहीं आते हैं, जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, ये लोग इनको भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग कि देखिए जितने भी हमारे एमपीज हैं एमएलएज हैं वो लोग तो ऑब्वियसली एक टाइप के मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, मतलब वो लोग चूज होकर आए हैं तो उनको तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है वो सब मिलेगी। बट द पॉइंट इज कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो ऑब्वियसली चूज होकर नहीं आते हैं इनको भी यहाँ पर ये चीजें मिलती है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। बट द क्वेश्चन कम्स कि क्या ये प्रेसिडेंट को मिलती है? नो, प्रेसिडेंट को ये चीज नहीं मिलती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो प्रेसिडेंट को असाइन नहीं की जाती है, लेकिन आर्टिकल 361 जो प्रेसिडेंट का मतलब खुद का आर्टिकल है उसके अंदर अलग से प्रेसिडेंट के अपने खुद के अलग से कुछ प्रिविलेजेस प्रेजेंट है। तो पॉइंट इज कैसा नहीं कि इनको किसी भी टाइप का कोई फायदा नहीं मिलता है, इनको किसी टाइप का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। एग्जम्पशन मिलता है बट इनको बाकी जो पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस है उनके साथ उसको असाइन नहीं किया गया, उनको अलग रखा गया, ठीक है। अब देखिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट ऑल्दो उनको ऑब्वियसली डायरेक्टली यहां पर किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं मिलता है इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ऑलराइट, अब हमारे आर्टिकल 105 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसके अंदर दो डिफरेंट प्रिविलेजेस यहां पर मेंशन है। पहली चीज तो हर एक जो एमपी या एमएलए है उनके पास फ्रीडम होती है ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी मैटर को उठा सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही है मतलब पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही है उसके बारे में किसी भी बाहर जाकर मीडिया के बारे में बता सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए अगर कोई चीज सीक्रेट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजों को मतलब पब्लिसाइज कर सकते हैं, मतलब लोगों को इस चीज के बारे में बता सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं, सब चीजें दोनों ही चीज टाइप के प्रिविलेजेस यहां पर हर एक पर्सन को दी जाती है। अब ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा लोकसभा के रूल बुक और राज्यसभा के रूल बुक के अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सीआरपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि 1908 के अंदर पहली बार साइन किया गया था उस चीज के अंदर भी कुछ प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। यहां पर बोला जाता है कि कोई भी एमपी या फिर एमएलए जो कि सिटिंग एमपी या एमएलए है मतलब जो अभी पावर के अंदर है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा उनको डिटेन नहीं किया जाएगा सिविल लॉज के अंदर में। मतलब क्या है अगर आपने कोई भी सिविल गलती की है किसी भी एमपी एमएलए ने तो उनको वहां पर 40 डेज मतलब उस गलती करने से 40 डेज पहले और 40 डेज आफ्टर इस चीज के मतलब आपको बेसिकली नहीं किया जाएगा मतलब अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जब भी हाउस आपकी मीटिंग होने वाली है मतलब जस्ट सपोज कि अगला कोई सेशन स्टार्ट होने वाला है जस्ट सपोज कि कोई बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो बजट सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको यहां पर अरेस्ट या फिर डिटेन नहीं किया सकता। फर्स्ट इज फर्स्ट। सेकंड चीज यहां पर पार्लियामेंट ने आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया है जिसके थ्रू उन्होंने सारे के सारे प्रिविलेजेस को एक जगह पर कोडिफाई कर दिया हो। देखिए कुछ आपने देखा कुछ जो ऐसे प्रिविलेजेस प्रेजेंट है जो लोकसभा के रूल बुक के अंदर प्रेजेंट है कुछ राज्यसभा के रूल बुक के अंदर प्रेजेंट है कुछ ऐसे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर मेंशन किया हुआ है कुछ ऐसी है जो कि यहां पर सीआरपीसी के अंदर लिखी हुई है बट द पॉइंट इज सबके सब कहीं एक जगह पर नहीं लिखी हुई है। ऑल्दो मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पार्लियामेंट को एक काम बोला हुआ था मतलब ये बोला हुआ है कि आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पर मेंशन करनी है बट इसके बावजूद अभी तक ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर मेंशन नहीं है। ठीक है तो जब तक नहीं है देखिए वी डोंट नीड टू लूज आवर स्लीप ऑन दिस थिंग। पॉइंट इज कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा सिंगल लॉ नहीं प्रेजेंट है जिसके ऊपर हम सारे के सारे मतलब जितने भी हमारे प्रिविलेजेस वगैरह उसको हम एक जगह पर देख सकें। ठीक है ये आप बेसिक चीजें समझ गए। नाउ आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने बात की थी जब स्पीकर के सामने कोई यहां पर किसी भी टाइप का मोशन जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट मुझे किसी भी टाइप का प्रिविलेज मोशन इनिशिएट करना है तो वहां पर स्पीकर के पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो खुद से यानी कि हिमसेल्फ वो डिसाइड कर सकता है कि वो चीज क्या होने वाला है या फिर उस चीज को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज सकता है। नाउ ये प्रिविलेज कमेटी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइप की स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या होता है परमानेंट कमेटी। देखिए दो टाइप की कमेटीज पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है वन थिंग इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट एड हॉक का मतलब होता है टेंपरेरी सिंपल वर्ड्स में। ठीक है तो जो प्रिविलेज कमेटी है वो टाइप की स्टैंडिंग कमेटी है। सेकंड चीज ये किसी भी टाइप के दोनों ही हाउसेस के अंदर किसी भी टाइप की अगर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज होता है तो उसके बारे में वो चीजें चेक करता रहता है। तो जैसा हमने देखा कि दोनों हाउस के मेंबर्स को अगर चेक करता है तो उसका मतलब क्या है इसके मेंबर्स जो होंगे दोनों हाउस के होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इसके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं बट ये डिफरेंस है कि लोकसभा से इसके अंदर 15 मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा से टोटल 10 मेंबर्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ टोटल कितने मेंबर्स होते हैं हमेशा 25 मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। और इसके मेंबर्स कौन होंगे इसके मेंबर्स ऑल जो मतलब ऑब्वियसली जो मिनिस्टर्स के अलावा जो जितने भी लोग हैं उन सब में से इनके मेंबर्स को बेसिकली आप चूज कर सकते हैं। ठीक है तो ये था हमारा चारों टॉपिक्स आई होप आपको चारों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। ऑलराइट सो आज ये कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज BA.2 कोविड वेरिएंट कॉल्ड अ स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्यों इसे बोला था स्टेल्थ ओमिक्रॉन। सेकंड इज विच आर द टॉप 3 ऑयल एक्सपोर्टर्स टू इंडिया प्रेजेंटली मतलब ऑयल अपना सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करता है इंडिया या फिर ऑयल को कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया। थर्ड इज विच इंडियन बॉडी फ्रॉम इंडिया साइड हैज गिवन $1 billion लोन टू श्रीलंका इंडिया की तरफ से किसने लोन प्रोवाइड किया। सेकंड इज विच इंडियन बॉडी हैज साइंड द करेंसी स्वैप अग्रीमेंट विद श्रीलंका ऑन इंडियाज बिहाफ। ठीक है देखिए ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये प्रीलिम्स के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर आ सकती है कि साइन किसने किया एक्जैक्टली कौन सी अथॉरिटी है जिसको ये पावर दी गई है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियंस हु एल्स इज एंटाइटल्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड द फाइनल क्वेश्चन इज विच एक्ट हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट टू कोडिफाई ऑल द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है ये आज के कुछ क्वेश्चन है जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल विच यूजेस द एनर्जी एज इट फ्यूल कौन सा एनर्जी को यूज करता है वो हाइड्रोजन को यूज करता है आपको याद है इसके बारे में हमने कल बात की थी। ऑलराइट सेकंड है विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन तो ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो देखिए ग्रीन का मतलब होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है बट अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले H2O को ब्रेक करना होता है और उसके जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसको लेकर आना होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस यहाँ पर जो वाटर है दोनों को साथ में यहाँ पर लेकर चलना होता है दैट थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस हिसाब का ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। थर्ड थिंग हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ENTSOE तो टोटल 35 कंट्रीज है जो कि स्पेशली यूरोप की कंट्री है और साथ में कुछ यहाँ पर नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज विच सार कंट्रीज फॉलो DST टाइम कंसेप्ट देखिए इसमें से कुछ लोगों ने आपके मतलब यहाँ पर आंसर नेपाल लिखा हुआ है ठीक है कुछ लोगों ने यहाँ पर ईरान आंसर लिखा हुआ है बट द पॉइंट इज इसमें से हमारे सार कंट्री में से कोई भी नहीं है। आपको याद है हमने कल बात की थी कि जो हमारे डेलाइट सेविंग टाइम होता है वो बेसिकली वेस्टर्न कंसेप्ट है और जितना भी हमारा ईस्टर्न पार्ट है ना वर्ल्ड का उन सब पार्ट में सन सबसे पहले आ जाता है तो हमें DST फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज वाई हमारे ईस्टर्न साइड में कोई भी सार कंट्री ऐसा नहीं है जो कि DST को फॉलो करता है। ऑलराइट नेक्स्ट दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन DST यानी कि डेलाइट सेविंग टाइम में क्लॉक्स आर एडवांस बाय 1 आवर इन समर्स एंड रिसीडेड बाय 1 आवर इन विंटर्स क्या सही है जी हां बिल्कुल सही है। समर के टाइम में एक घंटा इंक्रीज करते हैं और एक घंटा फिर से पीछे करके विंटर के टाइम में सेम ले आते हैं। द लास्ट क्वेश्चन वाज द मेनहेड्स फाउंड इन तेलंगाना रिसेंटली इज फर्स्ट सच फाउंड इन इंडिया नो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा हमें केरला तमिलनाडु तेलंगाना इन सब के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिले हुए हैं।
व्हाट इज ए मैनहेम? आपको याद है मैनहेम बेसिकली टाइप का स्टोन का टूम टाइप होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की मेमोरी के अंदर बनाया जाता है, जहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रेस के अंदर बहुत सारी बातें वगैरह लिखी होती है। ठीक है, तो रिसेंटली हमें कुछ मिला है, मैनहेम्स वगैरह मिले हैं जो कि माना जा रहा है कि आयरन एज के टाइम का है, जो कि हमें तेलंगाना के अंदर मिला है। ठीक है, और आयरन एज आपको याद है जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक था, उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक, उसके बाद आता है इंडस सिविलाइजेशन। अब जब इंडस सिविलाइजेशन का लास्ट पीरियड चल रहा था और जब वैदिक एज आता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आयरन एज यानी कि जो ये वाला पार्ट है मेगालिथिक एज वो नीचे स्टार्ट होता है। और जस्ट रिमेंबर कि जो मेगालिथिक एज यानी कि जो आयरन एज था वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर वो स्टार्ट नहीं हुआ था या फिर वो प्रेजेंट भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट था। और नीचे से ही जो हमारी मगध एम्पायर था उसने जो आयरन वगैरह था उसको इंपोर्ट करके ऊपर लेकर आया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पर डिस्कस करना है, तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।